तो मैं
का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के स्थान गुरद्वारा शहीदों साहब विखे बाबा जी जन्म दिहाड़े संबंध में अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब खंड पाठ आरंभ किया गया, जिन्हों का खंड पाठ के भोग जोड़े है परसों 27 तरीक पाए जाएंगे। कल में श्री अकाल तख्त साहब तो जन्म दिहाड़े के संबंध में नगर कीर्तन चलेगा, जो वक् वक् जगह तो हों शाह वेले गुरद्वारा श्री ग्रंथ साहिब पहुँचेगा। समूह संगतों को बेनती करते हैं कि जो रात के दीवान चलने दो दिन उन्होंने आपने परिवारों समेत हाजरियां भरनिया, गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करनिया। अहीं बाबा दीप सिंह के जन्म दिहाड़े के संबंध समूह संगतों को लख लख धाइयां कहिंदे आ। संगत वध वध उत्साह नाल गुरु घर पहुँचन, गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, उसके संबंध में गुरद्वारा शहीद ग्रंथ साहब बाबा जी के स्थान पर खंड पाठ साहब आरंभ होने हैं, और 26 तरीक न कल बाबा दीप सिंह के उतों अकाल तख्त साहब तो नगर कीर्तन आरंभ होना है, जो उतों की आरंभ होकर नगर कीर्तन शहर के शामा नगर कीर्तन गुरद्वारा शहीद ग्रंथ साहब पहुँचना है, और 27 तरीक न इतने खंड पाठ साहब के भोग पैने हैं। तो खुले जी स्टेज आ लगनी है संगतों की, ढाडी कवीशर रागी कथावाचक सारे सिंह ने आके इतने हर जस करके संगत को निहाल करना है। मेरी बेनती है जितों तक भी संगत सुनती है कि आके बाबा दीप सिंह के घर आके अपना जीवन सफल करो, और कथावाचकों तो ढाडियों तो कवीशरों तो सुन के गुरु का जस अपना जिहड़ा परिवार को निहाल करो। और 27 तरीक न गुरद्वारा रामसर साहब अंबर संचार हो रहा है, इस करके मेरी बेनती है संगतों को, जिन्हां संगतों ने अंबर संचार नहीं अज तक किया, अमृत नहीं चकिया, वो अंबर छकन और गुरु के जहाज चढ़न। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी जिहड़े 1682 पिता भाई भगतू जी ते माता जीवनी जी के कुखों पिंड पहू पिंड विखे जिन्हों का जन्म होया, उन्हां दी दुनिया में एक वखरा इतिहास है, जिन्होंने 75 साल की उम्र च सचखंड श्री हरिमंदर साहब की अजमत की राखी करदिआं अपना शीश तली ते धर के दुनिया च एक अनोखी मिसाल पैदा की। उन्हां दा जन्म दिहाड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब वालों बड़े वड्डे पद्धर ते हर साल गुरद्वारा शहीदगंज विखे मनाया जाता है, तो अज इस तरह उन्होंने जन्म दिहाड़े के संबंध में सवेरे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होए ने, जिन्हों के भोग परसों 27 तरीक न सवेरे पैणगे, तो उस दिन सारा दिन दीवान चलणगे, कीर्तन होएगा, ढाडी जिहड़े वारां ने गाईआं जाणगीआं, तो उस महान शहीद को श्रद्धा ते सत्कार भेट किया जाएगा। अज जिहड़े अखंड पाठ साहब रखे ने जी, ये समुचिया सिख जगत में बाबा दीप सिंह के जन्मदिन की लख लख बधाई। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा जिहड़ा परसों 27 जनवरी नूं जिहड़ा सचखंड श्री हरिमंदर साहब अते संगतां दे सहयोग नाल जिहड़ा भारी उत्साह नाल मनाया जा रहा है, तो उस दे संबंध च जिहड़े अज अखंड पाठ साहब आरंभ किए ने, ते इहनां दे भोग जिहड़े 27 तरीक नूं पैणगे। तो जन्म दिहाड़े के संबंध च कल 26 तरीक नूं नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहब तो आरंभ हो के वख वख बाजारां चों हुंदा आया, शाम नूं जिहड़ा गुरद्वारा बाबा दीप सिंह जी विखे समाप्त होवेगा, तो फिर उस तो बाद जिहड़ा शाम नूं कीर्तन दरबार होएगा, तो 27 तरीक नूं फिर सवेर तो लैके रात तक जिहड़े कीर्तन दरबार होणगे चलणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े ते समूह संगतां नूं साडे वल्लों बेनती है कि भी सारे अपने परिवारां समेत आण के सारे प्रोग्रामां ते जिहड़े आण के हाजरियां भरन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह साहब जी तिना के जन्म दिहाड़े मुख रखद्या होया सिख पंथ की सरमौर संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के समुचे प्रबंध वालों
समूह संगतां दे सहयोग दे नाल सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरणों का ओट आसरा तकदे आ अज गुरद्वारा शहीद गंज बाबा दीप सिंह जी अमृतसर साहब विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी के श्री अखंड पाठ साहब वो अज प्रारंभ होए हैं। सो बाबा जी के जन्म दिहाड़े मुख रखद हर साल की तरह बड़ी श्रद्धा भावना अदब सत्कार के सहित बाबा जी का जन्म दिहाड़ा इस महान पवित्र स्थान पर संगत बड़ी धूमधाम के नाल मनाउंदियां। बाबा जी का जन्म जन्मनगर पहू पिंड भाई भगता जी माता जमी जी की कुखों होया। सो इस दिहाड़े नू बड़े उत्साह के नाल समूह संगत देश विदेश दियाँ जिथे जिथे भी नानक नाम लेवा सिख संगत वसदियाँ वो बड़ी श्रद्धा भावना ना मनाउंदियां। अज श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होए ने, सो कल नू 12 बजे श्री अकाल तख्त साहब जी तो नगर कीर्तन बाबा जी के जन्म दिहाड़े के संबंध में आरंभ होगा। वक् वक् शहर के पड़ावों तो होंदया होया शाम नू समाप्ति गुरद्वारा शहीद गंज बाबा दीप सिंह जी विखे होगी और 27 तरीक नू 14 माघ दिन वीरवार वाले दिन सो श्री अखंड पाठां दे भोग पैणगे। आसा जी दी वार दे कीर्तन तो उपरंत भोग पैणगे। उस तो बाद सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तो आए हुए मुख वाक की कथा विचार सिंह साहिबान सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी वो करनगे। उस तो उपरंत सुंदर दीवान सजेगा जिस विच ढाडी साहिबान कवि साहिबान अते रागी साहिबान पंथक विद्वान जन वो बाबा जी के जीवन पर चानना पाउणगे और धार्मिक विचारों की सांझ पा के संगतां नूं निहाल करनगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम नवप्रीत सिंह है जी। मैं इतों का अमृतसर का वसनीक है जी। मेरा इतों 25 किलोमीटर पिंड है जी। तो बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा जी अज अज अखंड पाठ साहब आरंभ हो गए ने। 27 तरीक न पहू पिंड तो बहुत व्डा नगर कीर्तन आएगा जो शहीदा साहब पुजेगा तो संगत हुम हुमा के अपने दर्शन दीदार कर। मैं अपने आप में बड़ा भाग्यशाली मानता हाँ कि मैं बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा तो बाबा दीप सिंह जी की जगह पर पुजा हाँ। तो मैं होर भी सारे वीर भरावों नूं इहो बेनती करदा हाँ कि अपना बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े हुम हुमा के पुजो तो गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बाबा दीप सिंह जी के जन्मदिन नूं लैके की तैयारियां कीतियां जा रही हैं इह थोड़ा जिहा चानण। गुरु प्यारी साध संगत जी धन धन बाबा दीप सिंह साहब जी जिन्हां दा सालाना जन्म दिहाड़ा 27 जनवरी नूं गुरद्वारा शहीदगंज साहब विखे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुचियां संगतां दे सहयोग नाल बड़ी धूमधाम नाल बड़ी श्रद्धा भावना सहित मनाया जा रहा है। इस संबंध में अज 25 तरीक नूं गुरद्वारा साहब दे विच धुरकी बाणी आई तन सगली चिंत मिटाई दे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होणगे जिन्हां दे भोग परसों 27 जनवरी नूं तकरीबन 9 बजे पैणगे। उपरंत भारी दीवान सजेगा जिस विच पंथ दे महान विद्वान रागी ढाडी पहुँच रहे ने संगतां नूं गुरु जस सुना के निहाल करनगे और कई दिनों तो यह समागम जिहड़े वख-वख मुहल्लियां दे विच वख-वख थावां ते चल रहे ने जिस विच गुरु घर दा जिहड़ा ए रागी जथे ने जां कथावाचक ने वह धर्म प्रचार कर रहे ने और बाबा जी दीआं कुरबानियां तो जाणू करवा रहे ने। इस संबंध में गुरद्वारा साहब दे विच भी खास तैयारियां चल रही ने। फुलां दी सजावट की गई है जो हर साल की जाती है और लंगर लाउण वास्ते भी तैयारियां चल रही ने। बेअंत संगतां देश विदेश तो बड़े उत्साह दे नाल इन्हां समागमां दे विच हाजरियां भर के तन मन धन नाल सेवावां कर रही ने और अपना जन्म सफला कर रही ने। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
कि इन्हां समागमां दे विच हाजरियां भर के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।